हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 1 ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी बाय आवर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर अदर बुक। आई होप आपका जो FA1 है उसमें इंग्लिश का पेपर अच्छे से हो गया होगा। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। बिफोर यू रीड, ट्रिकी स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक डॉग होता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। और उसकी एक मिस्ट्रेस होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है और बहुत प्यार से रखती है। ही फेल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन। और वो उसका डॉग है वो बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटरनरी सर्जन से, जो पशुओं को देखभाल करता है, उस डॉक्टर से कंसल्ट करती है। डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो कंसल्ट करने के बाद उस डॉग का ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, क्या वो जो डॉग है वो रिकवर हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्टोरी है, ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी रिटन बाय मिस्टर हैरियट। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट यहाँ पे नरेटर है और जहाँ पे आई का यूज होगा वहाँ पे कौन मिस्टर हैरियट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिकी नाम का जो डॉग है वो बहुत ही लाड प्यार से पला हुआ है। रीड एंड फाइंड इट, ये हम अभी नहीं कर सकते, जब हम स्टोरी पढ़ लेंगे तभी हमें पता चलेगा। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस टाइम, मैं मीन्स नरेटर, ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, चिंता में था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैं अपनी कार से जा रहा था तो मैंने स्ट्रीट में देखा कि मिसेस जो उसकी मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की, वो उसके साथ अपने डॉग के साथ जा रही थी। तो मैंने जैसे ही उस ट्रिकी को, डॉग को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। किस लिए? ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सोजिस, ब्लॉटेड सोजिस मीन्स होता है फूला हुआ मांस, विद ए लैग ऑफ ईच कॉर्नर। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और पूरे उसकी बॉडी पे ऊपर जो सोजिस था, मांस था, वो चढ़ गया है ईच कॉर्नर, हर एक बॉडी के हिस्से में, मतलब वो इतना मोटा हो गया था। हिज आइज ब्लड शूट एंड रेमी, उसकी जो आँखें थी वो लाल रहती थी और उसके अंदर से पानी निकलता रहता था। स्टारेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जबड़ों से उसकी जो टंग थी वो नीचे की तरफ लटक रही थी। मतलब जब एनिमल्स या डॉग बीमार हो जाते हैं तो वो अपनी टंग को नीचे लटका लेते हैं, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे ट्रिकी की थी। मिसिस पम्फ्रे, यहाँ पे उनकी मिस्ट्रेस है, जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है वो, उसका नाम है मिसिस पम्फ्रे, हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब वो मिसिस पम्फ्रे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था मिस्टर हैरियट, कौन ट्रिकी, सो सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लग रही थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिशंस, जो मेल न्यूट्रिशन होते हैं इसमें उसकी कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब वो कहती है कि मुझे लग रहा था मेरे डॉग के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं, और मुझे लगा कि इसके अंदर न्यूट्रिशन की भी कमी है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। जब खाना खाता वो तो खाता ही, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया, सम माल्ट, कुछ माल्ट और कोड लीवर जो मछली का ऑयल होता है वो, और एक रात को बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देना स्टार्ट कर दिया जब वो सोता, और नथिंग मच रियली, बोलती कि इससे ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ, कितना देने के बाद भी बोलती कि और ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इनको स्वीट्स नहीं देना है, क्या आपने उसको बंद किया। ओ आई डिड फॉर ए बाइट
बट ही सिम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अब वो बोलती कि हाँ मैंने ट्राई किया था परंतु जैसे ही मैंने स्वीट्स बंद की तो ये कमज़ोर हो गया और मैंने इसको रिलेंट करना फिर से देना स्टार्ट कर दिया। ही डज लव्स क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और इसको बहुत अच्छे लगते हैं क्रीम केक्स और चॉकलेट। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और इस कारण मैं इसको मना नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटल डॉग, अब मैंने उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रॉबल, वो बहुत ही मतलब ये बहुत ही चिंता की बात थी, वो बहुत परेशानी में था मतलब ओवर ईटिंग करने की वजह से। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, अब ट्रिकी के साथ एक ही समस्या क्या थी कि वो बहुत लालची था, कोई भी चीज़ के लिए ग्रेड था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल ए मील एट एनी हार ऑफ द डे और नाइट, और वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, चाहे उसको दिन में कभी भी नाइट में खाना दिया जाए। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फ्रे हैड नॉट मेंशंस, और मुझे भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मिसिज पम्फ्रे थी वो कोई भी उसके लिए चीज़ मेंशन नहीं करती थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब नरेटर क्वेश्चन करते कि आप ट्रिकी को कुछ एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल ही हैज़ लिटल वॉक्स विद मी एज़ यू कैन सी, कि आप देख रहे हो ना कि आप देख सकते हो कि ये मेरे साथ कुछ वॉक कर लेता है। बट हॉस्किन द गार्डनर का नाम है हॉस्किन, वो हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो, मीन्स बैक पेन होता है, सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, जो हमारा गार्डनर है हॉस्किन उसको बैक पेन हो रहा है इसलिए इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। जो रिंग थ्रोइंग लेटली जो रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज होती है उसमें डॉग के लिए रिंग फेंकी जाती है और वो फिर वापस से उठा के लेके आते हैं, तो वो एक्सरसाइज इसके लिए नहीं हो पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सव मीन्स स्ट्रिक्टली, अब वो बोलते हैं नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अब वो बोलते हैं कि अगर आपने इसकी डाइट को प्रॉपर नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं दी तो ये कम्प्लीटली सच में ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने हार्ट को थोड़ा हार्ड रखना है इसके डॉग के प्रति, और इसकी डाइट है उसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब उसका खाना कम कर देना है। मिसिज पम्फ्रे रंग्स हर हैंड्स, रंग्स हैंड्स मतलब वो अपने हाथों को मसलते हुए ओ आई विल बोलती है हाँ मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, कि आप राइट हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बोलती मैं ट्राई करूँगी परंतु ये बहुत ही मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, अब वो है वो जाने लगती है, उसने अपना हेड है वो डाउन कर लिया है और रोड के ऊपर चलने लगती है, और जैसा कि उसको नरेटर को लगता है कि वो जो रेजिमम मीन्स होता है रूटीन की रूटीन को वो जल्दी से फॉलो नहीं कर पाएगी। और वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न्स, अब नरेटर है वो इस बात के लिए ज़्यादा चिंतित था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीट टॉक, ट्रिकी था वो क्या कर रहा था, टॉटरिंग कर रहा था मतलब लड़खड़ाते हुए चल रहा था अलोंग इन हिज लिटल ट्वीट कोट दिस टाइप ऑफ कोट, ही हैड ए होल वार्डरूम ऑफ दिस कोट्स, और इस टाइप के कोट्स का तो उसके पास एक वार्डरूम भरा पड़ा है। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए अलग है, एंड ये रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेन कोट भी है जब वेट डेज आते हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, ड्रॉपिंग मीन्स होता है बिहाइंड, वो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, अब नरेटर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो मैंने उसको बताया है वो उसके ऊपर उस चीज़ को फॉलो करेंगे। द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, अब नरेटर को यहाँ पे ये लग रहा था कि थोड़े ही दिन में शायद ये इसको कॉल करें, किसको, मिस्टर हैरियट जो जानवरों के डॉक्टर थे उनको, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो सही निकला। कुछ ही दिनों में उनको एक कॉल आया, मिसिज पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रक्ट, मिसिज पम्फ्रे थी वो बहुत ज़्यादा वरीड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और बोलती कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, रिफ्यूज्ड
इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट डिशेज को भी मना कर रहा है. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग. ही हैड बाउट मीन्स होता है कि थोड़े थोड़े समय में, शॉर्ट टाइम में वो वॉमिटिंग भी कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रग पेंटिंग. वो पूरा टाइम है वो, रग मीन्स होता है जो थिक मोटी मैट होती है उसके ऊपर लेटा रहता है, पेंटिंग मतलब हाफता रहता है, पूरा दिन उसका इसी में जाता है. ही डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक. वो वॉक के लिए भी नहीं जाता है. डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, और कोई भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. अब नरेटर कहते हैं कि मुझे पता था कि ये सिचुएशन आने वाली, इसलिए उन्होंने अपने प्लान है वो पहले से ही बना रखा था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. और इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था कि ट्रिकी को थोड़े दिन घर से बाहर रखा जाए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मीन्स टू वीक्स. टू वीक्स मतलब 14 डेज एंड 14 नाइट्स. टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, कि इसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए ट्रिकी को, और वो 24 के लिए, टोटल 12 डेज और 12 नाइट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वेंड. अब जो वो थी वो एकदम अनकॉन्शियस हो गई इसको सुनकर. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अब मिसिस पम्फरे का मानना था कि अगर इसका जो डॉक्टर की है वो उसको नहीं देखेगा तो वो बहुत ही सैड हो जाएगा और मर जाएगा अगर वो मिसिस पम्फरे को नहीं देखेगा तो. बट आई टुक ए फॉर्म लाइन. परंतु ये उसका फॉर्म लाइन था नरेटर का, उसने पक्का इरादा कर लिया था. ट्रिकी वॉज इल. ट्रिकी बीमार था. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और यही एक रास्ता था उसको बचाने के लिए. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसिज पम्फ्रीज वेलिंग. अब मिसिज पम्फ्रे के न चाहते हुए भी डॉग को हॉस्पिटलाइज कराने के लिए रेडी हो जाती है. आई मार्च्ड आउट टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट. अब उसको डॉग को कार में ले लाया गया एक ब्लैंकेट में रैप करके. द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मीट्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सफर बाउल. अब यहाँ पे जो मिसिज पेम्फ्रे थी वो बहुत ही रिच थी, इसलिए उसने अपने डॉग के लिए हर चीज़ है वो अलग अलग बाय कर रखी थी. तो वो अपने स्टाफ में जितने भी सारे मेड्स एंड सर्वेंट्स थे उनको बुलाकर बोलती है कि इसका डे बेड, नाइट बेड और जो फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग और ब्रेकफास्ट का जो बाउल, लंच बाउल और डिनर के जो बाउल हैं सब कुछ अलग अलग ले आए. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़. अब नरेटर को लग रहा था कि सारी चीज़ें मेरी कार में स्टफ़ कर दी जाएंगी, भर दी जाएंगी, इसलिए आई स्टार्ट टू ड्राइव अवे. तो नरेटर ने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ मिसिज पम्फ्रे विद ए डिस्परिंग क्राई थ्रो एनी आर्म फुल ऑफ द लिटल कोट्स थ्रो द विंडो. अब जैसे ही गाड़ी चलने लगी तो मिसिज पम्फ्रे ने बहुत सारे कपड़ों का जैसे बाजू में इकट्ठे करके अचानक से विंडो में थ्रो कर दिए, विंडो में फेंक दिए मिरर से. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. जब नरेटर है वो वहाँ से निकल जाते हैं तो मिरर में से देखते हैं कि पीछे जो सब लोग थे वो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रो रहे थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एंड द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड. अब जब नरेटर रोड पे पहुँचे तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा लिटिल एनिमल है जो उसकी सीट के ऊपर, उसकी नरेटर की साइड पे बैठा हुआ है. आई पैटेड द हेड. मैंने उसके सर के ऊपर थपथपी लगाई. एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. और ट्रिकी ने भी रिप्लाई में अपनी जो टेल थी, पूंछ थी, उसको हिलाया. होता है ना कि हम डॉग के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो टेल को हिलाते हैं. पुअर ओल्ड लैड. पुअर ओल्ड लैड मीन्स बेचारा, ओल्ड लैड बेचारा क्या, चाइल्ड. यहाँ पे उसको चाइल्ड बोलते हैं. आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट किक इन योर, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू. अब नरेटर कहता है कि यू हैव नॉट किक इन योर
बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ क्योंकि अब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, बट जैसे ही हम सब ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो तुम ये सब कर पाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज पार्ट वन। सो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं। व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? बिकॉज ट्रिकी वो जिल और वो काफ़ी सारी चीज़ें खा नहीं रहा था, इसलिए वो वरीड थी। हाउ डज शी डू द हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? और उसने हेल्प क्या हेल्प के लिए क्या किया और क्या वो इसमें वाइज थी? तो उसने जो इसके लिए वेटरनरी सर्जन की हेल्प ली और वो इसमें वाइज वाला काम उसने कुछ नहीं दिखाया। हु डज आई रेफर डू इन दिस स्टोरी? तो आई रेफर दिस स्टोरी टू नरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप पार्ट वन इज़ क्लियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू कंटिन्यू इन पार्ट टू। थैंक यू।